मॉर्निंग गाइस, वी आर एट उत्तम टोयोटा। आज की मॉर्निंग की शुरुआत ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है और हम लोग यहाँ पर उत्तम टोयोटा आए हैं। और अभी एक इवेंट है टोयोटा का, तो टोयोटा से इनविटेशन आया था, तभी मैं और रितेश बिहाइंड द कैमरा वो और मैं आज इस इवेंट के लिए आए हैं। सो वी आर नाउ इन द पार्किंग लॉट। अभी जो जिस टीम मेम्बर से मेरी बात हुई थी वो भी बस रास्ते में ही आ रहे हैं, हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। तो अभी विल जस्ट वेट हेयर एंड देन विल लीव फॉर द इवेंट। वी हैव रितेश विद अस। चांस आने से पहले ये वाली अटक गई है। ये शायद निकल पाएगी कि नहीं, बहुत गंदा फंसी है। द थिंग इज कि इन्होंने आगे से काट ली, इन्हें यहीं बीच से काटनी थी। कोई नहीं, निकल जाएगी। इसके पूरा का पूरा जो टायर है ना, ये वाला हवा में आ चुका है। एक्चुअल में इनको एक कोन से ही काट देना चाहिए था यहाँ पे। वो उन्हें ऊपर दिखा नहीं होगा। ये सारी की सारी जो ट्रैक की प्लानिंग है ये सब आपने करी है ना? हाँ, मतलब ये पूरी टीम मतलब। बने हुए थे लेकिन कौन सा कहाँ पे रखना है, थोड़ा कस्टमाइज करना है, वो सारा हमने किया, क्योंकि ऑफ रोड इवेंट होने के लिए प्रॉपर्टी है ये वाली। तो यहाँ पे थार वगैरह के होते रहते हैं। एक अरावली रीजन के पास भी तो है। हाँ, ये बाहर रोड पे निकल के राइट में ओरास करके है, जहाँ पर जो पर्सनल लोग मतलब जिनकी प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं, एंडेवर वगैरह, वो सब जाती हैं। हाँ, यहाँ पे भी आते हैं ना लोग, बट ये तो बुक करके आते होंगे ना यहाँ पे। हाँ, मतलब ये जो ओनर होगा यहाँ का प्रमाइसिस का। हाँ। मेरा माइक ऑन है। हाँ, मेरा माइक ऑन है, उसका देख लियो, ग्रीन लाइट जल रहा था ऑन है। फुटस्टेप है ना। बहुत गया रोड और हाईवे चलाइए। चलाने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, गट्स छुटपुट वो है, टेक्निक है कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। एक बार गाड़ी से कनेक्शन बन गया ना कि आपको कितना थ्रॉटल और ब्रेक देना है। आपको जैसे वो बाइक का होता है ना कि आपको पता है कि रियर व्हील पे कितनी पावर जा रही है, कहां मुझे कितना थ्रॉटल देना है, मोड़ पे कितना थ्रॉटल रखना है, बस वो वाली फील होनी चाहिए। जहाँ लग रहा है वहाँ ब्रेक मार, ब्रेक भी नहीं, ब्रेक अगर ऊंचाई पे मारोगे तो स्टीप खिसकते हुए जाओगे, तो ब्रेक भी ज्यादा यूज नहीं करना, वही कनेक्शन की बात है।
तो जब चलाते रहते तो एक्सपीरियंस में आ जाता है। एक बार भी गाड़ी नहीं चलाई यहाँ पे 3 दिन में भी, बट ट्रैक बनाया था, उत्कर्ष कर रहा, मैंने कहा हाँ यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, उत्कर्ष चल रहा हूँ, मैं कहा मैं पीछे बैठे चलता हूँ, पीछे बैठ गया, मैंने देखा हाँ ट्रैक याद हो गया, काम करो। चलाई नहीं उसके बाद, बोर हो गया, एक साल से यही गाड़ी चलाए जा रहे हैं, बिना खरीदे शौक पूरे हो गए हाइलक्स के मेरे। मैं थार इज बेस्ट सस्ते में। हाँ, उस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑफ रोडर वही है। अरे उसकी कीमत बढ़ रही है यार, मैंने 16.5 लाख की ली थी, आज 19.5 की हो गई है। हाँ, वो बात अलग है। इस पे आप DSC ऑन करेंगे ना? हाँ, छोड़ दूँ। हाँ। ओ वेरी नाइस यार। जो अपने आप ऊपर चढ़ोगे ना, हाँ, तो क्रॉस मत करना, नोज ऊपर आने दो, ब्रेक मार देना वहीं पे। ठीक है, वो वाला फील मिलो इसका, हिल असिस्ट वाला, मार दो ब्रेक। अब नॉर्मली छोड़ते हैं तो छोड़ दिया, पीछे जाती है ये, 4-5 सेकंड का आपको होल्ड दे देगी। चलो एक्सीलेटर तो नीचे, बहुत तगड़ा फीचर है तो यहाँ से राइट इस वाले पे। चलो चलो, पिछला व्हील आपको लगेगा कि हाँ पिछला व्हील चढ़ गया है, आप बता दो, जब जब राइट मारेंगे तब हनुमान जी हम राइट मार देंगे। चलो, जैसे फील आएगा कि पिछला व्हील चढ़ चुका है उसके ऊपर, तभी राइट मार देना, अभी नहीं चढ़ा है, अभी नहीं चढ़ा है, चढ़ाओ अब, मार दो राइट, अब अपने आप ही काम कर देगी गाड़ी। यहाँ से अब लेफ्ट मोड़ना शुरू करो, इसमें हिल्स असिस्ट ऑन था तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तगड़ा, काफी तगड़ा ये वाला था। हाइलक्स का मैं भी कुछ दिन पहले शोरूम गया था गाड़ी लेकर के अपने, तो मैं देख ही रहा था इसे कि यार ये गाड़ी मतलब कंसिडर की जा सकती है फॉर्च्यूनर को निकाल के। मेरे पास वैसे 2015 की है, तो अब मैं उसको, अब उसकी अगर अभी बेच दूंगा तो ज्यादा कीमत अच्छी मिल जाएगी। हाँ, बाद में नहीं मिलेगी वैसे, 10 साल वाला सीन बहुत है। कहाँ से? यहाँ ऊपर, तो 10 साल वाला सीन है, उसको निकाल करके मैं प्लान कर रहा हूँ नई गाड़ी अपग्रेड करने का। मैं इसको ऐसे मतलब राइड करके खड़ी थी वहाँ पर, एक उसको सोच ही रहा था तब तक, जयपुर में एक बंदे ने बना रखी है पुरानी वाली फॉर्च्यूनर, पीछे से कट की हाइलक्स का डाला खरीदा, हाइलक्स का डाला डाल के वो हाइलक्स बना दी उसे, पुरानी वाली फॉर्च्यूनर जैसी बाहर आती है पुरानी वाली। स्लो और स्लो। हाँ, मूवमेंट सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लैग्स आपने सही सही जगह लगवाए हैं। हाँ, वो रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है उससे कि गाड़ी का सेंटर कहाँ है। हाँ, वो लगाने का मकसद ही वही है। गजब, अब कहाँ से? अब यूटर्न मार लो इससे, इसको मत डालो 4i पे, ये H2 4x2 हो जाएगा। परफॉर्मेंस बहुत प्यारा हो गया। हाँ, बहुत स्मूथ है ये चीज, देखो ना ऐसे फॉर्च्यूनर भी है, आप नहीं चढ़ाई पे चढ़ाओगे तो वाइब्रेशन आती है बहुत ज्यादा, वाइब्रेशन नहीं है। इसका सस्पेंशन बहुत प्यारा ट्यून किया हुआ, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बस ओवर प्राइस है थोड़ी सी, बट आप ये देखो कि सेगमेंट की बेस्ट है, सेगमेंट बेस्ट है, इज़ुज़ु से काफी बेटर है। हाँ, इज़ुज़ु से बहुत लागू ना अच्छी है, इज़ुज़ु चलाई थी मैंने, वो इज़ुज़ु तो मतलब अंडर पावर्ड लगी मेरे को काफी, अंडर पावर्ड हार्ड है, सॉफ्ट वाला डाल दो, एक बिरंदा डाल दो, चलो चलो नहीं चलेगी, नहीं अब इसको आप करिए 4 हाई डालते हैं, एवर इन दिस डायरेक्शन द साइड स्लोप गो बैक, कॉपी सर, हल्का सर, रिपीट ट्रांसमिशन ब्रोकन कॉप, प्लीज गो बैक ऑन साइड स्लोप, इट इज नॉट टू बी डन इन दिस डायरेक्शन। टोयोटा, जस्ट टोयोटा थिंग्स। हाँ, तुम्हारे बंदे वहां पाइप लेके घूम रहे, कुचल दो ना, ब्रेक मारो। ओके गाइस, सो हमारा 4x4 का एक्सपीरियंस पूरा टोयोटा के ये OTR पे कंप्लीट हो गया गुरुग्राम के अंदर। हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो भी काफ़ी बहुत अच्छा था, उसने अच्छे से गाइड करा, तभी हमने चला ली।
उससे पहले एक कार अटक भी गई थी, उसका भी क्लिप आप लोग देख लेना, बट उसको भी जो यहाँ की मैनेजमेंट और रिकवरी टीम है उसने बहुत अच्छे से रिकवर किया। अब मैं आप लोग को ट्रेल दिखाता हूँ सारी की सारी। दिस इज़ वन ट्रेल रितेश आते हुए, ये क्रिस क्रॉस इसी कार में हमने करा था ट्रेल हमारा, और ये सबसे ख़तरनाक वाला है ये वाला। इसके अंदर क्या है, वाटर वीडिंग के लिए है, बट 100 mm में कुछ भी नहीं है हाइलक्स के लिए। ऑल दो ये ट्रैक बहुत मज़ेदार था, रितेश ने फर्स्ट टाइम चलाई, जो हमारे साथ अनुज आया टोयोटा से, उत्तम टोयोटा से, उसने भी चलाई, बहुत बहुत बेटर, बहुत मस्त, एक अनदर लेवल एक्सपीरियंस था। देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आप कुदा दोगे, लेकिन ये कुछ अलग लेवल। एंड सो ग्लैड कि उत्तम टोयोटा ने हमें बुलाया, एक ऐसे इवेंट में आने का मौका दिया, क्यों, और हमने इस इवेंट को किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अभी कुछ दिन पहले ही टोयोटा का हाइलक्स देख रहा था शोरूम पर, मतलब अपनी कार का HSRP प्लेट लगवाने गया था, तो तब देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इसका टेस्ट ड्राइव करेंगे किसी दिन, और तब तक मेरे पास कॉल आ गया, यू आर इनवाइटेड फॉर द ऑफ रोड ट्रेल। कहते हैं ना वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मज़ा आ गया। संडे वेल स्पेंट, और अब हम वापस चलेंगे शोरूम की ओर, अभी यहाँ पर थोड़े से सिनेमैटिक्स कैच करते हैं, निकलते हैं फिर, क्यों, चलो जी लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो पूरा का पूरा टोयोटा का जो इवेंट था वो हो गया, जो शोरूम पे हमें बंदा मिला था अनुज, वेरी नाइस पर्सन, उसने मुझे इनवाइट करा, मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जाने की, और मैं साथ में रितेश को भी लेकर के गया, काफ़ी हम दोनों को मज़ा आया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हाइलक्स को चलाने का। तेरा कैसा एक्सपीरियंस था, तू बता। एक सेकेंड रुकिए, माइक पर बता। जैसे हम लोग चलाते हैं नॉर्मल रोड्स पे, जिसको हम ऑफ रोड कहते हैं प्रॉपर, वो ऑफ रोड जो आज एक्सपीरियंस किया है ना, प्रॉपर ऑफ रोड उसे कहते हैं, जो हम लोग करते हैं पूरे ऑब्स्टिकल्स, हाँ ऑब्स्टिकल प्रॉपरली, तो उसका एक्सपीरियंस लेना मतलब ऑल टुगेदर एक अलग ही फील था पूरा। नाना करते हुए मान के चलो तो 6-6 feet की वो क्लाइंब, उसके बाद फिर वो 12 feet स्टीप, मतलब अलग था वो एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसे कि आपको आगे क्या है वो दिखेगा नहीं कुछ। वो कार भी ऐसी है कि उस वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है चलाने का कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ, तो वो कार में भी एक पावर है, मतलब ये टोटल इन एन टोटल ऑल इन एन, मतलब मैं बात बोलूँ तो ये कार होती है जो गट्स पे चलाई जाती है, जिसे कहते हैं ना प्योर गट कार जिसे बोलते हैं। जैसे आजकल के फीचर्स अपनी जगह सही है, फीचर वाली कार सिटी वगैरह के लिए ठीक है, बट दिस इज़ द कार जो मैं प्रेफर करता हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे साथ के भी हैं जिन्हें बहुत काफी पसंद है हाइलक्स, रफ एंड टफ गाड़ी वाली चाहिए वो ये गाड़ी, हां लाइफस्टाइल व्हीकल जैसे उन्होंने बोला, हां मोर देन बीइंग अ ऑफरोडर वो एक लाइफस्टाइल व्हीकल भी है, बट मतलब पिकअप ट्रक का इंडिया, पिकअप ट्रक का जो ट्रेंड है इंडिया में अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, पहले इसुजु आती थी, अब इसुजु से हट करके एक हाइलक्स एक काफी बेटर प्रोडक्ट है देखा जाए तो। इसुजु जब मैंने इसुजु चलाई भी थी तो भी मैंने उसको बोला था कि वो अंडर पावर्ड है थोड़ी, लेकिन जब हाइलक्स चलाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा भाई, फॉर्चुनर का इंजन है उसमें 2.8 लीटर और 4x4 कैपेबिलिटीज बस, और बूट कैरिंग कैपेसिटी मैसिव। तो इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखिए अपने कर्मयोगी के लिए, और वीडियो को शेयर करिए अपने हाइलक्स लवर्स के साथ, और अगर आप प्लान कर रहे हैं हाइलक्स की कोई भी मॉडल की इंक्वायरी बुकिंग या फिर खरीदने का, तो मैं उत्तम टोयोटा का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। गाज़ियाबाद में सबसे बड़ी डीलरशिप है उत्तम टोयोटा, तो आप वहाँ पर आके अपनी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं व्लॉग को एंड, हम लोग अब जा रहे हैं घर की ओर, हमें लेट हो ही चुका है, हम लोग 3 बज चुका है, हमारा पूरा दिन बीत गया, हम सुबह 5:30 बजे का निकले हैं और अब 3 बज चुका है हमें, तो अब हम बस घर जाएंगे उसके अलावा कहीं नहीं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो।